सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो गाइज, काफ़ी दिनों से जो है आप होंडा एक्टिवा का एक छोटा सा टीजर देख रहे होंगे फोटोज़ पे या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह पे। तो फाइनली जो है होंडा ने लॉन्च कर दिया अपनी न्यू एक्टिवा 6G का एक प्रीमियम एडिशन। वैसे हम सोच रहे थे, रूमर से लगा कि 7G आने वाली है, बट 7G जो है मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर आएगी। एंड इस ईयर के लिए इन्होंने क्या किया है, एक्टिवा में कुछ चेंजेस करके जो है एक्टिवा प्रीमियम को लॉन्च कर दिया है, जो कि 6G का ही वेरिएंट है, जो कि आपको डीलक्स वेरिएंट से एक अप लेवल का वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल बात करते हैं कि इस वेरिएंट में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो फोटो से आपको साफ पता लग रहा होगा कि जो स्कूटी में है एक गोल्डन फिनिश काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि इसको गोल्डन मतलब एक्टिवा की तरह भी आप देख सकते हैं देखा जाए। तो फिलहाल बात करते हैं इसके चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आपको जो है गोल्डन कलर्ड व्हील मिलते हैं, जो कि आप इसके व्हील्स देख रहे हैं जो आते हैं, इसमें अलॉय नहीं आते, 125 में अलॉय आते हैं। एक्टिवा 110 में जो है आपको इसमें व्हील मिलते हैं वो स्टील वाले, तो वो आपको इसमें गोल्डन कलर के मिलेंगे, आप देख सकते हैं काफी मतलब जो है शाइन करेंगे। इसके अलावा इसमें जो आपको गोल्डन गार्निश होती है, जो फ्रंट में आप देखते हैं ग्रिल होती है छोटी सी नोज टाइप की, वो सिल्वर आती थी, अब जो है आपको वो गोल्डन मिलेगी, जिससे जो है लुक थोड़ा और ही प्रीमियम लगेगा। एंड इसके अलावा जो है इसमें आपको इसके जो लोगो वगैरह हैं, जो इसके एम्बलम्स हैं, वो भी आप देखेंगे 3D में ही मिलते हैं, और लोगो जो है गोल्डन में मिलता है। एक्टिवा जो है आपको उसमें गोल्डन में लिखा मिलेगा, नीचे जो है आपको इसके नीचे प्रीमियम जो है एक बैजिंग मिल जाएगी आपको। एंड दूसरी चीज इसकी बात करें तो इसमें जो आपको जो सीट मिल रही है वो मिल रही है इसके ब्राउन कलर की, तो इसकी जो पूरी सीट से लेके जो इसका आपका जो फुट बोर्ड है, जो इसका फुट बोर्ड है जहाँ पैर रखते हैं, इसके अलावा जो आपका फ्रंट डैशबोर्ड है जहाँ पे आपका मीटर वगैरह, ये सब कुछ जो है आपको ब्राउन फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगा, जो कि ब्राउन और गोल्डन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है वैसे तो। एंड इसके अलावा इसमें आपको जो है 3D लोगो वगैरह एम्बलम वगैरह मिलेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। एंड इस स्कूटी में गाइस आपको 3 कलर्स देखने को मिलेंगे। ये जो स्कूटी है ये 3 कलर्स में लॉन्च हुई है, जिसमें इसका जो पहला कलर है वो है गाइस मैट सैंग्रिया रेड, जो कि मैट कलर का रेड कलर का आपको इसमें एक्टिवा देखने को मिलेगी रेड एंड गोल्डन कलर में। एंड इसका जो सेकंड कलर है वो इसका मैट मार्शल ग्रीन, जो कि मार्शल ग्रीन है, कहीं ना कहीं आपको इंडियन आर्मी वाली थोड़ी सी फील देगा। एंड गाइस पर्सनली ये कलर जो है मुझे काफी बेस्ट लगा इसके बाकी कलर्स में। एंड इसका एक लास्ट कलर आता है गाइस मैट सेरिना ब्लू, तो ये 3 कलर्स में आपको मिलेगी रेड ग्रीन और ब्लू में, जो कि तीनों ही मैट कलर हैं एंड काफी प्रीमियम फिनिशिंग के साथ ही आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्कूटी में और कोई चेंजेस नहीं है, इंजन वगैरह वही आपको 109.5 सीसी का मिलता है सेम पहले वाला, जिसमें आपको 7.79 पीएस की पावर एंड 8.84 एनएम का आपको टॉर्क मिलने वाला है। एंड जो ये वेरिएंट है ये आपको डीलक्स मॉडल से 1000 रुपये ऊपर ही देखने को मिलेगा, आपको जो है बहुत ज़्यादा इसके लिए कॉस्ट नहीं देना है। एंड फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो गाइस ये जो स्कूटी है ये आपको 75,400 के एक्सशोरूम प्राइस पे मिलने वाली है, यानी कि 75,400 रुपये दिल्ली एक्सशोरूम इसका प्राइस रखा गया है, जो कि ऑन रोड आपके डीलक्स वेरियंट जो आपका मिलता था उससे 1000 से 1500 रुपये आपको ऑन रोड पे देखने को फर्क मिलेगा। कंपनी के अकॉर्डिंग जो है ये वेरियंट एक्सशोरूम 1000 रुपये बस ऊपर आपको देखने को मिलता है इनके डीलक्स वेरियंट से, यानी कि एक्टिवा 6G से, और ये जो मॉडल है ये आपका एक्टिवा 6G प्रीमियम। तो गाइस ये थी एक छोटी सी अपडेट जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। एंड गाइस इस स्कूटी का जो है डिटेल रिव्यू आपके लिए बहुत ही जल्द लाऊंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। कोशिश करूंगा आपके लिए बहुत ही जल्द जो है इसका डिटेल रिव्यू वीडियो लेते आऊं, जिसमें आपको जो है पूरी स्कूटी के तीनों कलर्स में इंट्रोड्यूस कराऊं एंड आपको जो है रियल वीडियोस की दिखाऊं। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।